हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है ओशनोग्राफिक क्लाइमेटोलॉजी लेक्चर सीरीज़ का, एंड हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओशन टाइड्स पे। यहाँ से आपको पार्ट सी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर बेसिकली टाइड्स, टाइड्स होती क्या हैं? तो टाइड्स आर डिफाइंड एज अरिथमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द चेंजिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द सन एंड मूव ऑन द रोटेटिंग अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली टाइड क्या है हमारा? सी लेवल का राइज करना एंड फॉल करना, किसकी वजह से? जो हमारा ओशन वाटर है उस पर क्या लग रहा है? हमारा फोर्स लग रहा है ड्यू टू मून एंड सन, सन की वजह से। ठीक है, तो क्यों लग रहा है, कैसे लगता है, क्या रीज़न है? ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे उनको डिटेल में। तो यहाँ से अल्टीमेटली बात निकल के क्या आई, हमारे जो टाइड्स होते हैं बेसिकली वो राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर है। और वाई क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून। ये हमारा जो सन है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, द ओशन टाइड्स जनरेटेड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून ऑन द मास ऑफ द ओशियन वाटर अफेक्टेड बाय द अफेक्ट द एवरी पार्टिकल ऑफ द वाटर फ्रॉम सरफेस टू बॉटम ऑफ द ओशन बेसिन। ठीक है, तो वही बात बोल रही है इसमें कि जो हमारा ओशन टाइड्स है वो जनरेट हो रहा है क्या? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सन की वजह से, जो अफेक्ट करता है हमारा हर एक पार्टिकल को, ओशन वाटर के हर एक पार्टिकल को सरफेस से लेके बॉटम तक। ठीक है, जनरेटेड द सी वेव कॉल्ड द टाइडल वेव। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी सी में वेव्स जनरेट हो जाती है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वेव्स बोलते हैं। बाकी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइडल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो हमारी टाइड की वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द वाटर डेप्थ के। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी हाई टाइड क्या होती है, हमारी लो टाइड क्या होती है। द टाइड रिप्रेजेंट अ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द सी वाटर। ठीक है, टाइड क्या करती है हमारी? रिप्रेजेंट करती है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द सी वाटर का। अब हाई टाइड क्या हुई, लो टाइड क्या हुई, देखो आप इस डायग्राम को समझो, इस डायग्राम से आपके समझ में आ जाएगा। सॉरी, सो मैं बात करता हूँ इस डायग्राम की। जैसे ये मेरा ओशन है, ठीक है, ये मेरा लैंड वाला ये कोस्ट होगा, यहाँ पे पूरा ये लैंड वाला पार्ट है। ठीक है, तो अगर मेरा जो सी लेवल है, ठीक है, अगर देखो जो राइज, जो मेरा सी लेवल का राइज करे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे क्या करे, राइज करे ऐसे करके ऊपर की तरफ जाए, तो इस टाइड को बोलते हैं हम हाई टाइड। ठीक है, देखो वाटर लेवल ऊपर जा रहा है ना, मीन्स वाटर क्या कर रहा है, अपवर्ड उठ रहा है ऊपर की तरफ, टाइड हमारी ऐसे जा रही है, तो अगर ऐसे ऐसे मूवमेंट हो टाइड का तो उसको बोलते हैं हम हाई टाइड। और अगर हमारा जो वाटर है वो ऐसे जाए इस तरफ को, ओशन की तरफ, तो इस तरह की टाइड को हम बोलते हैं लो टाइड। ठीक है, देखो अंदर की तरफ आ रही है ना वाली टाइड ऐसे, तो ये हमारी लो टाइड हो गई, एंड ये हमारी क्या हो गई, हाई टाइड हो गई। ये बात समझ में आ गई। राइज ऑफ द सी वाटर, मूवमेंट ऑफ द सी वाटर टुवार्ड्स द कोस्ट। ठीक है, इसमें जो हाई टाइड होता है उसमें क्या होता है कि राइज ऑफ द सी वाटर, सी वाटर क्या करता है हमारा, राइज करता है, एंड द मूवमेंट ऑफ द सी वाटर टुवार्ड्स द कोस्ट। अगर हमारा सी वाटर राइज कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है सी वाटर का टुवार्ड्स द कोस्ट, तो हमारे उस टाइप के टाइड को क्या बोलते हैं, हाई टाइड बोलती है। एंड कन्वर्सली व्हेन द सी लेवल इज फॉल्ड, ठीक है, जब हमारा सी लेवल हमारा क्या करते हैं, फॉल करता है, द लो टाइड ओकर्ड, उस टाइप के हम टाइड को बोलते हैं लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इब क्या होता है, वट इज इब, इब टाइड, द फॉल ऑफ द सी लेवल, वाटर मूवमेंट टुवार्ड्स द सी रिजल्ट द लो वाटर लेवल। ठीक है, जो हमारा जब हमारा सी लेवल क्या करते हैं, फॉल करता है, एंड द वाटर मूवमेंट हमारा होता है सी लेवल, सी की तरफ को, एंड जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, सी वाटर लेवल फॉल करता है, उसी वजह से हमारा क्या होता है, हमारा लो टाइड फॉर्म्ड होता है, एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इब बोलते हैं या इब टाइड बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा टाइड इंटरवल क्या होता है, वट इज टाइड इंटरवल, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू हाई टाइड इज कॉल्ड द टाइडल इंटरवल। ठीक है, बात समझ में, टाइडल इंटरवल किसको बोलते हैं, टाइडल इंटरवल बोलते हैं इसको, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू
हाई टाइड इज कॉल्ड द टाइड इंटरवल, मतलब दो हाई टाइड आने के बीच में कितना टाइम गैप है उसी को बोलते हैं हम टाइडल इंटरवल, ठीक है। अब टाइडल रेंज किसको बोलते हैं, इन द ओपन ओशियन द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द हाई एंड लो टाइड इज नोन एज द टाइडल रेंज। देखो बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये डेफिनेशन से आपके समझ में आ रहा है कि भाई जो लो टाइड है एंड हाई टाइड है उनकी हाइट में जो डिफरेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल रेंज बोलते हैं। एंड टाइडल इंटरवल क्या है, जितना टाइम गैप है दो हाई टाइड के बीच में उसको हम टाइडल इंटरवल बोल देते हैं, टाइम गैप है, ठीक है। ड्यू टू टाइड्स हॉरिजॉन्टल करंट्स जनरेटेड, ठीक है, जो हमारी टाइड्स आती है, मतलब हाई टाइड आ रही है लो टाइड आ रही है, ठीक है, ठीक है। जैसे ऐसे हमारे हाई टाइड लो टाइड आ रहे हैं तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल करंट्स क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके हमारी करंट्स मूव हो जाती है जिनको बोलते हैं हम टाइडल करंट। अभी मैंने डिस्कस भी किया था, तो इन टाइड्स की वजह से जो हमारी करंट्स हॉरिजॉन्टल करंट्स फॉर्म हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम, उसको बोलते हैं हम टाइडल करंट्स बोलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइडल करंट्स मूव टुवार्ड्स द कोस्ट, अगर हमारी जो टाइडल करंट है अगर वो कोस्ट की तरफ जाएँ तो उसको बोलते हैं हम फ्लड टाइड, एंड दोज रिटर्निंग फ्रॉम द कोस्ट टुवार्ड्स द सी इज कॉल्ड इब टाइड, ठीक है। तो जो टाइड हमारी कोस्ट की तरफ जा रही है, ऐसे देखो ये इस तरह मान के चलो ये हमारा ओशन है एंड ये मेरा पूरा कोस्ट वाला एरिया है, अगर जो कोस्ट की तरफ जा रही है ऐसे मूव करे तो उसको बोलते हैं हम फ्लड टाइड, एंड जो टाइड्स हमारी कोस्ट से ओशन की तरफ आ रही है मीन सी की तरफ जा रही है तो उसको बोलते हैं हम इब टाइड। से बात समझ में आई कि फ्लड टाइड क्या होती है, इब टाइड क्या होती है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशंस है, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं, आपको डेफिनेशन से सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब हम बात करते हैं टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स की, ठीक है, जो हमारे फोर्स लगते हैं जिनकी वजह से हमारा टाइड क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम वन एम टू क्या है, मास एंड आर क्या हमारा डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस का अच्छा एक और फॉर्मूला है हमारा, टाइड जनरेटिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखना, जो उसका फॉर्मूला होता है टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स का, टाइड जनरेटिंग फोर्स का, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरी आर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे जो हमारा टाइडल फोर्स है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये तो रिलेशन बता रहा है। और जैसे जैसे मेरी आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, वैसे वैसे मेरा जो टाइड जनरेटिंग फोर्स है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मींस हमारा जैसे मून है वो जितना हमारा अर्थ के पास होगा उतना ही हमारा क्या करेगा, वो टाइडल फोर्स ज़्यादा लगाएगा, और जितना दूर होगा वो वैसे हमारा क्या करेगा, वो टाइडल फोर्स हमारा कम लगाएगा, ठीक है। इस रिलेशन से ये तो निकल के आ रहा है। एंड मास का क्या है, वो प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी है ना एम वन एम टू के तो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मीन जितना ज़्यादा जितना अगर हमारा फोर्स है, फोर्स इंक्रीज होगा हमारा, अगर हमारा मास इंक्रीज कर रहा है तो हमारा क्या होगा, फोर्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर रेडियस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो जो फोर्स है वो क्या होगा, जो टाइडल फोर्स है वो डिक्रीज होगा, और अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो हमारा फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूले से ये रिलेशन निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ देन डेट बिटवीन द अर्थ एंड मून डेट इज मून डोमिनेट द टाइड्स, ठीक है। देखो तो इसमें यह बोला है कि बिकॉज, क्योंकि सन, अगर मैं सन अर्थ एंड मून को कंपेयर करूँ तो सन हमारा काफ़ी दूर है अर्थ से कंपेयर टू मून, ठीक है, मून ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हमारा जो मून क्या करता है, मून हमारे क्या करता है, ज़्यादा डोमिनेट करता है टाइड्स को, क्योंकि वो अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। अर्थ के ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से क्या होगा, हमारा वो टाइडल फोर्स ज़्यादा लगाएगा, जब टाइडल फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो क्या होगा, हमारा टाइड्स क्या होंगे, ज़्यादा जनरेट होंगे ड्यू टू मून, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सन इज 27 मिलियन टाइम्स मोर मैसिव देन द मून, जो हमारा सन है वो 27 मिलियन टाइम्स ज़्यादा मैसिव है मून से, सो सन हैव अ टाइडल जनरेटिंग फोर्स 27 मिलियन टाइम्स टाइम ग्रेटर देन द मून, इसलिए भाई देखो जो उसका मास जो है हमारा सन का वो 27 मिलियन
टाइम्स क्या बोलते हैं, मैसिव हमारा मून से। जब इतना ज़्यादा उसका मास है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा मास बढ़ता है वैसे वैसे हमारा टाइड जनरेटिंग फोर्स भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो जब सन का मास इतना ज़्यादा हो गया मून से, तो ऑब्वियसली वो फोर्स क्या लगाएगा, उसका जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो द सन हैव द टाइड जनरेटिंग फोर्स 27 मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन द मून। तो मून से जो है वो 27 मिलियन टाइम ज़्यादा है, बट सन इज़ 39 टाइम्स फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। लेकिन सन का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो लगभग 39 टाइम्स फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ देन द मून। ठीक है, अगर मैं मून को कंपेयर करता हूँ तो वो जो है लगभग हमारा 29 टाइम्स क्या है, दूर है, फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से। ठीक है, सो इट्स टाइड जनरेटिंग फोर्स इज 390 पावर 3 टाइम्स लेस देन द मून। इसलिए क्या होता है कि इसका जो हमारा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो हमारा इसका जो टाइड जनरेटिंग फोर्स है वो भी क्या होगा, लगभग 390 पावर 3 टाइम्स क्या होगा, वो फोर्स जो है कम लगेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। इसका डिस्टेंस बीच में ज़्यादा हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारा आर की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे हमारा फोर्स भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और जैसे आर की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ करेगी, हमारा फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ये तो बात ठीक है कि हमारा सन का मास ज़्यादा है मून से, उसका फोर्स, टाइडल फोर्स, जनरेटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसका डिस्टेंस वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है कंपेयर टू मून। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो अर्थ का जो टाइडल फोर्स लग रहा है वो कम लगता है, ठीक है, कंपेयर टू मून। अब अगर वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, अगर मास हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगता है, और अगर डिस्टेंस, अगर हमारा मास डिक्रीज़ करेगा तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज़ करेगा, अगर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और अगर हमारा डिस्टेंस डिक्रीज़ कर रहा है तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ज़्यादा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अगर मेरी आर की वैल्यू इंक्रीज़ कर, और क्या बोलते हैं, डिक्रीज़ कर दी है। ठीक है, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून ऑलवेज स्ट्रोंगर ऑन द साइड ऑफ द अर्थ क्लोजेस्ट टू द मून। ठीक है, तो जो हमारा जो जो हमारा अर्थ है, देखो इसको ऐसे समझो कि अगर ये हमारी अर्थ है एंड अगर ये मून है, ठीक है, जितना इसके क्लोज ज़्यादा होगा तो इस वाले पार्ट पे ना जो हमारा फोर्स लगेगा ना वो बहुत ज़्यादा लगेगा। वही तो बात लिखी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून ऑलवेज स्ट्रोंगर ऑन द साइड ऑफ द मून क्लोजेस्ट टू द मून। ठीक है, तो जिस तरफ से हमारी अर्थ क्लोज होगी मून के, ये हमारी अर्थ है एंड ये मेरा मून है। ठीक है, तो जिस तरफ से ये बहुत ज़्यादा क्लोज होगी तो इस वाले पार्ट पे क्या होगा, हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एंड अगर ये अर्थ है, सॉरी, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे मून है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट पे इसकी वजह से हमारा एक ब्लज क्रिएट होगा, ऐसे फोर्स लगेगा, तो एक तो टाइड हमारे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, एंड एक इसके पीछे भी टाइड्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से हमारा ब्लज यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे वाटर क्या होता है, राइज करेगा। ठीक है, एक तो हाई टाइड यहाँ पे आएगा, एंड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा यहाँ पे क्या, वो ये तो इस तरफ को लगेगा, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा इस तरफ को लगेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी टाइड आएंगे। ठीक है, तो जो इस तरफ जो टाइड आते हैं उनको बोलते हैं हम डायरेक्ट टाइड, एंड जो इसके पीछे तरफ इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टाइड। ये बात समझ में आ गई, मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, देखो ये मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे मून है, ये अर्थ है, एंड इस वाले साइड पे क्या हमारा डायरेक्ट टाइड आ रहा है, एंड इस वाले साइड में हमारा क्या आएगा, इनडायरेक्ट टाइड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा मून है, ये हमारा क्या, यहाँ से फोर्स लगा रहा है इस तरफ को, तो एक तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा डायरेक्ट टाइड आएगा, एंड इसकी अपोजिट में क्योंकि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा अपोजिट साइड में भी क्या होगा, हमारा टाइड आएगा, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइड। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, द ओशन वाटर ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून। वो ओशन वाटर जो हमारा फेस कर रहा है मून को अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर क्या लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बल्स टुवर्ड्स द मून इज कॉल्ड द डायरेक्ट टाइड। जो हमारा बल्स है वो क्या जाएगा, मून की तरफ जाएगा, जिस टाइड को हम बोलते हैं डायरेक्ट टाइड। ये बात बताओ समझ में आई क्या। ठीक है, अरे आसान सा तो है, अर्थ है, ठीक है, मून है, फोर्स लग रहा है, पानी को अपनी तरफ को खींच रहा है, उसी को हम डायरेक्ट टाइड बोल रहे हैं। उसके अपोजिट में भी एक टाइड आएगा, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा इनडायरेक्ट टाइड आएगा। ठीक है, आसान सा तो है। एंड नेक्स्ट है हमारा द ब्लज ऑफ द वाटर डायरेक्टली अपोजिट,
डेट प्रोड्यूस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टाइड, ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। दस देर इज टू हाई टाइड डेली, इसलिए हमारे क्या होते हैं दो हाई टाइड आते हैं डेली। सिंस द मून एक्चुअली टेक्स 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स टू कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ए हाई टाइड टेंस टू ओकर एवरी 12 आवर 25 मिनट। इसलिए हमारा जो हाई टाइड आता है वो हर एक 12 घंटे 25 मिनट के बाद आता है, एंड इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो बात समझ में आई आपको, ये हाई टाइड डायरेक्ट टाइड इनडायरेक्ट टाइड कैसे आ रहे हैं, क्या बोलते हैं कैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, सन की वजह से कैसे लग रहा है, सन का मास होने के बावजूद वो कम फोर्स क्यों लगाता है, क्योंकि वो उसकी डिस्टेंस हमारी ज़्यादा है कंपेयर टू मून, मून हमारा ज़्यादा नज़दीक है इसलिए वो क्या करता है ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ठीक है। अब हाई टाइड की मैं बात करूँ तो वही बात है, किस किसकी वजह से आया, ड्यू टू मून की वजह से आया, ठीक है। वाटर ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून, ठीक है, एक तरफ हमारा टाइड आ रहा है जहाँ से हमारा वो फेस कर रहा है मून को, एंड एक उसके आ रहा है अपोजिट साइड में, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। चलो विद इन 24 आवर, 24 आवर में हमारे दो टाइड्स आते हैं, टू इब्स आएंगे, ठीक है, एवरी प्लेस ऑफ द सर्फेस, हर एक सर्फेस पे, एंड जो उसका टाइम होता है वो 12 घंटे 25 मिनट होगा, ठीक है, एट एवरी प्लेस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ये जिनित पॉइंट किसको बोलते हैं, नदरी किसको बोलते हैं, जिनित बोलते हैं जो हमारा मून एंड अर्थ का जो नियरेस्ट पॉइंट है मून के उसको क्या बोलते हैं हम, जिनित बोलते हैं, एंड जो फर्दर पॉइंट है मतलब दूर वाला पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम, नदरी बोलते हैं। देखो मैंने लिखा है था पॉइंट ऑफ द अर्थ क्लोजेस्ट टू मून इज कॉल्ड द जिनित जेड, एंड पॉइंट ऑन द अर्थ फर्दर फ्रॉम द सन उसको क्या बोलते हैं हम, नदरी बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट ये है एंड ये वाला पॉइंट हमारा ये है, क्लियर है, क्लियर है तो आगे चलते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना भाई, नेक्स्ट में वीडियो में देख लेंगे उसको कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं हम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून ऑन द टाइड्स, हम कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे कि हमारा सन एंड मून की वजह से हमारा टाइड्स पे क्या इफेक्ट डलता है, कब हमारे इनकी वजह से हाई टाइड आएगा, कब हमारे इनकी वजह से लो टाइड आएगा, ये कंसेप्ट सीखने की कोशिश करना। तो देखो ये कंडीशन है हमारा हाई टाइड की, हाई टाइड की कंडीशन में क्या होता है कि हमारा हाई टाइड की कंडीशन में क्या होता है, हमारा अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, मून यहाँ पे है एंड हमारा सन यहाँ पे है, ठीक है। तो आप फिलहाल इसको भूल जाओ, इस वाले को इधर इसको हटा दो एक बार दो मिनट के लिए, तो ये एक पूरा हमारा स्ट्रेट लाइन कंडीशन में आ गई। तो इस केस में क्या हुआ यार कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल, इसका मून का ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड हो गया, जब इतना पहले तो मून लगा ही रहा था, मून इतने नज़दीक है अर्थ के, फिर सन भी इसमें आके ऐड हो गया, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारा हाई टाइड होगा, इसकी वजह से हमारे हाई टाइड्स आएंगे। हमारा क्या बोलते हैं मून इधर हो या मून इधर हो बात, ठीक है, दोनों की वजह से, इन दोनों केसेस में क्या होगा हमारा हाई टाइड आएंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सॉरी ग्रेविटी नहीं आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा हमको हाई टाइड देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब हमारा सन यहाँ पे हो, ये सन है सूर्य महाराज, एंड ये बीच में मून है हमारा, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अगर हमारा सन इसके इन बिटवीन है, बिटवीन द अर्थ एंड सन, तो उसको बोलते हैं हम न्यू मून, एंड अगर इसके अपोजिट साइड में, इसको बोलते हैं हम फुल मून, ठीक है। तो इन कंडीशन, इन सिचुएशन में क्या होते हैं हमारा, क्योंकि अर्थ का उसका सन का ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हमारा मून का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एड अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको हाई टाइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो व्हेन द मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, जब हमारा मून होता है इन बिटवीन अर्थ एंड सन के, इट्स सेड टू बी कंजक्शन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं कंजक्शन प्रोड्यूसिंग बोलते हैं, ठीक है, कंजक्शन पॉइंट बोलते हैं,
एंड एंड प्रोड्यूस करता है ये न्यू मून को, ठीक है। इसके मैंने डायग्राम से आपको बता दिया, जो अगर हमारा सन मून बीच में है तो ओवरऑल उसको हम न्यू मून बोलते हैं, और अगर हमारा मून अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको बोलते हैं हम क्या, फुल मून, ठीक है। इन द बोथ केसेस, ठीक है, अपोजिट अपोजिशन वाले केस में जो अपोजिट डायरेक्शन में था उस केस में, इन द बोथ केसेस कंजक्शन एंड अपोजिशन, ठीक है, अपोजिट वाला जो केस था, द टाइड जनरेटिंग फोर्स ऑफ द सन एंड मून आर एडिड टुगेदर, ठीक है। दोनों केस में क्या होते हैं, हमारा अर्थ उसका सन का एंड मून का जो टाइड जनरेटिंग फोर्स है वो क्या होता है, एडअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमको हाई टाइड देखने मिलते हैं। द रिजल्ट इज डैट रेन्स आर ग्रेटेस्ट, द न्यू मून एंड फुल मून फेज प्रोड्यूस स्प्रिंग टाइड, और इन न्यू मून एंड फुल मून की वजह से क्या होता है, हमारा स्प्रिंग टाइड होते हैं, और जिनकी टाइड रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये स्प्रिंग टाइड को मैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स में भी डिस्कस करूँगा, आप वैसे यहीं पर क्लियर हो गया। जब हमारा ओरिजेंटल, जब हमारे स्ट्रेट लाइन में हमारे जब सन मून एंड अर्थ रहते हैं, तो उस केस में हमारा स्प्रिंग टाइड होते हैं, जिनकी टाइड रेंज क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे लो टाइड्स की, हमारे लो टाइड्स कम आएंगे, ठीक है। तो देखो लो टाइड के केस में क्या होता है कि हमारा सन तो यहाँ पे है एंड अर्थ यहाँ पे है एंड मून यहाँ पे है, मतलब कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पोजीशन में हमारा क्या चला जाता है, मून चला जाता है, ठीक है। तो देखो ना 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे ग्रेविटी को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से सन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, यहाँ से मून लगा रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लगेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे लगेगा, तो आपस में क्या जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इस पोजीशन, ऐसी पोजीशन होने की वजह से हमारा, हमको लो टाइड देखने को मिलते हैं। तो ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून अगेंस्ट, ठीक है, क्या होता है, अगेंस्ट होते हैं एक दूसरे के, एंड जो उनकी पोजिशन होती है वो राइट एंगल होती है, ठीक है। तो इस पोजिशन को जो है ये ऐसे ऐसे करते ही है हमारा, ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ मून, ठीक है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं, इस पोजीशन के होने की वजह से हमारा, हमको लो टाइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये लो टाइड कंडीशन है, क्योंकि भाई देखो यहाँ से ये मून ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा इस तरफ को, ठीक है, यहाँ सन लगा रहा है तो यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तो थोड़े टाइट यहाँ पे आएंगे, थोड़े थोड़े टाइट यहाँ पे आएंगे, थोड़े थोड़े टाइट यहाँ पे आएंगे, थोड़े थोड़े टाइट यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या करता है, आपस में ये बैलेंस कर जाते हैं, ठीक है। एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अगेंस्ट है दूसरे के, तो इस कंडीशन में जो है ना, जब हमारा राइट एंगल पर, तो ये वाली कंडीशन होती है हमारी लो टाइड की कंडीशन होती है, ठीक है। सो इस वीडियो में इसको इतने रखते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट, ही कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कैसे हमारा हाई टाइड आ रहा है, कैसे हमारा लो टाइड आ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।